So after completing the long-term goals, now talking about short-period goals. Remember, आपको पहले भी बताया था long period goals वो हैं जो planning का essence हैं और short period goal वो हैं जो एक particular plan के अंदर achieve किए जाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि yours and my long-term goal is to complete the course, तो वो हमेशा बना रहेगा. But जब हम आज की बात करते हैं तो आज जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा दैट इज़ टुडेज शॉर्ट टर्म गोल. कल मैं अगले लेक्चर में आपके साथ जो भी टॉपिक डिस्कस करूंगा वो उस दिन का शॉर्ट पीरियड गोल होगा. तो लॉन्ग पीरियड गोल एसेंस ऑफ द प्लानिंग है. वो पांच थे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं. अब हम शॉर्ट पीरियड गोल डिस्कस कर रहे हैं जो टाइम टू टाइम बदल रहे थे. तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि वी हैव अडॉप्टेड 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम. हम 5 ईयर्स के प्लानिंग के बेसिस पे चल रहे थे. तो आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है जिसमें सारे प्लान्स की ड्यूरेशन, कब से प्लान कब तक चला था और उसके डिटेल्ड गोल्स दे रखे हैं. मैं आपको यहाँ पर हर प्लान का एसेंस क्या था, मेन किस चीज़ के ऊपर फोकस था, उसके बारे में डिस्कशन करा रहा हूँ. बाकी डिटेल के लिए आप टेबल को फॉलो कर सकते हैं. उस टेबल में आपको प्लान्स की ड्यूरेशन भी पता चल जाएगी और मेन फोकस के अलावा और क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया वो भी पता चल जाएगा. तो हमारा जो फर्स्ट गोल था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने सबसे पहले ध्यान दिया हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे, यानी एग्रीकल्चर को हमने बताया सबसे इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया था कि इंडिया वॉज हैविंग ए फूड प्रॉब्लम, फूड ग्रेन प्रॉब्लम. और 1965 में हमें फोर्स भी किया था US ने कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर को बंद करें. तो सबसे पहले हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे ही ध्यान दिया. और वैसे भी अपने कॉमन लैंग्वेज में भी या कॉमन पर्सन के बीच में भी एक कहावत चलती है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. तो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने फर्स्ट ईयर या फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हमने अपना मेन एम रखा. आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड प्लान में हमने ध्यान दिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को. एक बार जब हमारे एग्रीकल्चर थोड़ी सी स्टेबल हो गई तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकंड प्लान ऑनवर्ड्स, सेकंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया उन 5 सालों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, ताकि इंडस्ट्रीज भी हमारे यहाँ डेवलप हो जाएं. थर्ड प्लान एज इट स्टार्ट्स, तो थर्ड प्लान में फिर से हम एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. यानी अब हम चाहते थे कि हम अपनी फूड नीड्स के लिए केवल और केवल अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहें, इम्पोर्ट्स हमें ना करने पड़े. नंबर फोर्थ प्लान में हमने ध्यान दिया प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है लोगों को जो कमोडिटीज़ हैं दे गेट द कमोडिटीज ऑन ए सूटेबल प्राइस, इन्फ्लेशन और प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो. और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर का मतलब है जॉब जनरेशन, कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके. तो हम इसको चाहें तो जॉब जनरेशन के नाम से भी कह सकते हैं. सो आफ्टर फोर्थ ईयर या आफ्टर फोर्थ 5 ईयर प्लान, इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लान वी अडॉप्टेड पॉवर्टी एलिविएशन और रिमूवल एज द मेन गोल. फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लान ऑनवर्ड्स और इन द फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान वी फोकस्ड ऑन रिमूविंग द पॉवर्टी. सेवन्थ प्लान ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी अगेन वी गॉन थ्रू जॉब क्रिएशन. सेवन्थ प्लान जॉब क्रिएशन और ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एट्थ प्लान फुल एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अगेन जॉब क्रिएशन. एंड व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स एटलीस्ट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस इज गोइंग टू बी एसेंशियल राइट. एंड राइट नाउ आई गेस यू ऑल नो देयर इज अ RTE Act, Right to Education Act, through which we are focusing on education also. तो universalization of education और till 8th class education की जो बात आई थी 14 years तक के students के लिए वो इसी 8th plan से निकली थी. और आज के तारीख में इसके लिए RTE Act भी बनाया हुआ है, which you all know a bit. Next, 9th number plan, growth, price stability and sustainable environment. So growth is economic growth, price stability, issues related with the inflation and price fluctuations,
and sustainable environments, we got a bit focus on the environment protection also, because somewhere around healthy environment is also essential for development. In the 10th plan, we got for better quality of life, so we can focus it towards job creation, towards economic prosperity, towards raised income level of common people. So 10th plan, better quality of life in terms of economic growth and raised income levels. 11th number plan, again poverty reduction, job creation and environment protection. So as you can see, now we are giving less stress on agricultural industries, because ऐसा नहीं है कि हमने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, बस हमने थोड़ा सा फोकस उनकी तरफ से कम किया है, क्योंकि बिकॉज राइट नाउ वी आर गुड इन एग्रीकल्चर, वी आर गुड इन इंडस्ट्रीज, तो हम अदर प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर रहे हैं, लाइक जॉब क्रिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, इसके अलावा हम पॉवर्टी के प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं. एंड नाउ ऑन द 12th प्लान, द लास्ट प्लान विच एंडेड इन टू 2017, that is sustainable and inclusive growth. Sustainable and inclusive growth का मतलब है growth को एक stable level पर बनाए रखना, और inclusive growth का मतलब है कि growth life के हर sector में हो, economy के हर sector में हो. There is a short note at the bottom. On the whole, the main focus on achieving better quality of life across all sections of society, commonly known as inclusive growth. If anyone asks you in short or in extract form कि आपके planning का main goal क्या था, main focus क्या था, तो that you can say inclusive growth. Inclusive growth का मतलब जैसा मैंने यह लिखाया, better quality of life across all section of society. All section of society में rich भी आ गए, poor भी आ गए, urbans, minorities, each and every level आ गया, और उनको better quality of life offer करना in terms of money, in terms of income, in terms of lifestyle, this is all inclusive growth is there. So that is extract of planning goals. So now we have completed long term and short term, both type of goals in planning.